लॉगरिथम्स, लॉग, लॉगरिथम जाने की लॉग। देखो ये क्या होता है, ये भी एक मशीन है, ये भी एक मशीन की तरह काम करती है। देखो ये मशीन कैसी मशीन है, इसमें दो तीन चीजें हैं इस मशीन में, इंजीनियर्स ने बनाई हुई है, बहुत अच्छी है। वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस ए। इस मशीन में तीन चीजें हैं, अमूमन दो सिंपल मशीन होती हैं उनमें दो चीजें होती हैं, इनपुट एक आउटपुट। इस मशीन में तीन चीजें हैं, एक तो इनपुट, एक आउटपुट और एक बेस। एक बेस काफी इंपॉर्टेंट है, ये इसके ऊपर सारी मशीन टिकी हुई है, इस बेस के ऊपर। अच्छा अब समझते हैं ये मशीन क्या है। मान लेते हैं बेस है टू, इसको समझते हैं, मशीन को फील करते हैं पहले, फिर मैं सारा कुछ सिखा दूंगा, ये क्यों है, क्या है, ये वो कहानी सारी, कैसे बना, क्यों बना, कब बना, कब दुर्घटना घटी, है ना, सब कुछ सिखाऊं। पहले थोड़ा फील करने की कोशिश कर। मान लो आपने इसमें डाला आठ, मान लो आपने इसमें डाला आठ, इनपुट क्या दी, आठ। तो कहते एक ऐसा आंसर आएगा, देखो आंसर क्या आएगा, एक ऐसा आंसर आएगा जब उसको टू की पावर करें, जब उसको टू की पावर करें, बेस की पावर करें, तो आंसर एट आ जाए। समझ आया थोड़ा। कहते एक ऐसी चीज आंसर आएगी, आउटपुट ऐसी आएगी जब उसको बेस की पावर कर दें आउटपुट को, तो वो इनपुट के इक्वल आ जाए। टू रेस टू पावर आउटपुट इज इक्वल्स टू इनपुट, ये मशीन होगी। तो बता सकते हो आउटपुट क्या आएगी, थ्री थ्री आ जाएगी। वेरी गुड, तो आउटपुट आ जाएगी थ्री। क्या थोड़ा सा समझ आया, थोड़ा सा। ये होता है लॉक। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और दोबारा समझते हैं, मान लो 1024 पुट किया, तो कहते इस बेस के ऊपर जब आपने इनपुट डाली 1024, तो आउटपुट क्या आएगा, एक ऐसा नंबर, एक ऐसी वैल्यू जब उसको टू की पावर करें, उस वैल्यू को, उस आउटपुट को जब टू की पावर करें तो 1024 बन जाए। तो क्या आंसर आएगा प्यारे बच्चों, 10। क्या फील हुआ, थोड़ा सा फील हुआ और ज्यादा। अच्छा अब दोबारा देखते हैं, पांच बेस पे, अब बेस मैंने पांच कर दिया, इनपुट डाली 125, ये है बेस। तो कहते आउटपुट क्या आएगी, एक ऐसा नंबर आएगी जब उसको पांच की पावर कर दूं तो आंसर 125 बनना चाहिए भाई। तो क्या आंसर आएगा, अच्छा थ्री। तो इस इनपुट पे जो आउटपुट आएगी प्यारे बच्चों वो थ्री आएगी। तो समझ आया थोड़ा सा कि लॉग एक ऐसी मशीन है जिसमें तीन चीजें काम करती हैं, इनपुट, बेस और आउटपुट, और सारी की सारी गेम ना बेस पे, बेस पे। क्या बात समझ रहे हो, थोड़ी सी पहलिया समझ रही हो ना। वेरी गुड, चलो अब खुद सोच के आंसर करना है, ठीक है। फिर आपको डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा, फिर बताऊंगा ये ऐसे क्यों बना, कोई बात नहीं। पहले क्वेश्चंस करो थोड़े से। लोग टू रेस टू पावर 32, आंसर बताना है आपको। फोर रेस टू पावर 64, फोर, देखो लॉग 64 टू द बेस 4, इसको बोलते हैं लॉग 32 टू द बेस 2, लॉग 64 टू द बेस 4, लॉग 625 टू द बेस 25, लॉग 625 टू द बेस 5, लॉग 1/1000 टू द बेस 10, लॉग 10 रेज टू पावर 1/2 टू द बेस 10,
log 2, sorry, log 64 to the base 2, log 729 to the base 3. सबके क्वेश्चंस आंसर्स निकालो खुद से फील करके. कम ऑन गाइस. Done, sir. Very good. Done, sir. Done, sir. Very good. Very Done, good. Sir. Very good. चलो अब इसका आंसर क्या आएगा. एक ऐसा नंबर जब उसको 2 की पावर करूं तो 32 बन जाए, एक ऐसा नंबर जब उसको 2 की पावर करूं तो 32 बन जाए. भाई 5 आना चाहिए. यहाँ पे एक ऐसा नंबर जब उसको बेस की पावर करूं तो 64 बन जाए तो 3 आना चाहिए. एक ऐसा नंबर जब उसको बेस की पावर करूं तो 625 बन जाए तो 2 आना चाहिए. एक ऐसा नंबर जब उसको बेस की पावर करूं तो 625 बन जाए तो 4 आना चाहिए. देखो इनपुट सेम थी, बेस फर्क होने पे आउटपुट डिफरेंट आ गई. थोड़ा फील करके देखो. इनपुट सेम थी, बेस अलग अलग था, तब भी आउटपुट चेंज हो गई. इसका आंसर बताओ कौन क्या है. -3 की. वेरी गुड. -3. 1/1000 कैसा बनेगा. 10 को 10 की पावर क्या करनी पड़ेगी, -3 करनी पड़ेगी. भाई इसका आंसर क्या आया. 1/2. इसका आंसर क्या आया. 6. इसका आंसर क्या आया. 6. 8. कितना आया सर. 6. 6 आएगा. बिल्कुल ठीक है. 9 का क्यूब होता ना. अच्छा अब डेफिनेशन लिख. द लॉगरिथम, द लॉगरिथम ऑफ अ गिवन नंबर to the given base is the index. Index to samajhte ho, power. Index of the power to which the base must be raised. Index of the power to which the base must be raised in order to equal the given number. To equal the given number. दो बार पढ़ो इंग्लिश को. ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है लॉगरिथम की. देखो अब ध्यान से दोबारा समझते हैं. log 264, the logarithm of a given number 64 to the given base 2 is the index of the power. Index of the power to which the base must be raised. Base को
ये पूरी पावर है, इस पूरी को पावर इंडेक्स बोला गया, इंडेक्स, इस पूरी को इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ द पावर टू विच द बेस मस्ट बी रेस्ड सो दैट इन ऑर्डर टू इक्वल द गिवन नंबर. तो यहां पे आंसर क्या बनेगा, 6. समझ रहे हो ना, इंडेक्स ऑफ द पावर, इस पूरी पावर का ये इंडेक्स, इसको पावर बोल लो पूरी, समझ रहे हो ना. नाउ ऐसे लिख सकता हूं क्या, y इज इक्वल्स टू log ए एक्स, एक्स किसके इक्वल आता है, a की पावर y के, x किसके इक्वल आता है, a की पावर y, x a की पावर y के इक्वल होता है. सोच के देखो ना, आपने 2 डाला x को और बेस भी 2 है, तो y कितना आएगा, 1 आएगा. हमें यही नंबर तो ढूंढ रहे हैं, बाय डेफिनेशन ये बोल सकता हूं ना बच्चों, सोच पा रहे हो, बाय डेफिनेशन द लॉगरिथम ऑफ अ गिवन नंबर इज द इंडेक्स ऑफ द पावर, इंडेक्स ऑफ द पावर, पावर का इंडेक्स, टू विच द बेस मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू इक्वल द गिवन नंबर, इन ऑर्डर टू इक्वल द गिवन नंबर. क्या बात समझ आ रही है? अच्छा अब बात को समझो, अब बात को समझो, क्या कभी भी बेस की पावर करके कभी नेगेटिव नंबर आ सकता है? नो सर. नो सर. तो मतलब लॉग में जो इनपुट होती है, लॉग में जो इनपुट होती है वो हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो होती है, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, समझ रहे हो ना. नेगेटिव में तो कभी हो ही गई नहीं इनपुट, आप डाल ही नहीं पाओगे, आंसर ही नहीं आएगा. अगर आपने माइनस का 2 डाल दिया, आंसर आना ही नहीं है रियल नंबर्स में, समझ रहे हो ना. माइनस का 2 डाल के कैसे आ जाएगा यार, किस बेस की पावर करेंगे, कोई बेस ही नहीं होता ऐसा. अच्छा अब क्या नेगेटिव में बेस हो सकता है, नेगेटिव में हो ही नहीं सकता भाई, नेगेटिव की पावर करके वही आ जाए, समझे, हर पॉइंट के लिए डिफाइन नहीं होगा ना, फिर नेगेटिव की 1/2 पावर नहीं बन पाएगी, अंडर रूट में नेगेटिव नहीं हो सकता. तो जो बेस होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है और ग्रेटर देन 1 होता है. दो तरह के बेस होते हैं, या तो 0 और 1 के बीच में, या 1 से बड़ा. लिख लो अभी के लिए, थोड़ा याद कर लो, धीरे धीरे समझ आने लगेगा ऐसा क्यों होता है. टेक अ टाइम, टेक अ टाइम, जस्ट हैव पेशेंस. ये तो समझ आ गया ना, इनपुट हमेशा पॉजिटिव, और बेस को अभी के लिए याद करो कि या तो 0 और 1 के बीच में होगा, या 1 से बड़ा होगा, या तो 0 और 1 के बीच में होगा, या 1 से बड़ा होगा. बेस जीरो नहीं हो सकता ना बच्चे. सर एक्स, एक्स जीरो कैसे होगा, तू सोच के देख. यहाँ पे किसी भी चीज की पावर करके, अरे मेरे भाई, जीरो की पावर कोई मतलब नहीं बनता ना उस चीज का. जीरो इक्वल टू जीरो कर रहे हैं. समझ गए बच्चों ये? अच्छा चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. मैंने आपसे पूछा log 2 बेस 2 क्या आंसर आएगा? 1 आंसर आएगा. मैंने आपसे पूछा log 20 बेस 20 क्या आंसर आएगा? 1. भाई एक ऐसा आंसर आएगा जब उसकी बेस की पावर करें तो वही इनपुट बन जाए, 1 ही तो है, 20 की पावर 1 ही तो 20 बनेगी. मान लो आंसर आएगा y, तो 20 की पावर y मस्ट बी 20, y मस्ट बी 1, समझ रहे हो ना. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो log की होती है, log a टू द सेम बेस इज ऑलवेज 1, log ऑफ इनपुट टू द सेम बेस इनपुट इज 1. और ये बात याद रखना,
इनपुट कहां से पॉजिटिव होनी चाहिए और बेस की क्या कंडीशंस हैं। अगली प्रॉपर्टी, लॉग वन कितना होगा किसी भी बेस पे, सोच के देखो। जीरो। भाई ए की पावर जीरो करने पे ही तो वन आएगा ना। ए की पावर जीरो करने पे ही तो वन आएगा ना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके देखो। फाइंड लॉगरिथम ऑफ थर्टी टू फोर की पावर वन बाय फाइव टू द बेस टू रूट टू। कम ऑन गाइस, कम ऑन, बड़ा सिंपल है, बाय डेफिनेशन हो जाना है क्वेश्चन। Sudden. Very good. कितना आंसर आया भाई? 13. हाँ, इसको 3.6 बोलते हैं। अरे भाई आ जाना चाहिए सबका। देखो लॉगरिथम ऑफ दिस, बेस दिए दिया हुआ है, इनपुट है ये गंदी सी, समझ रहे हो ना। कुछ भी आंसर आए, मैं तो कह रहा हूं जी ये आंसर आए, क्या पता क्या आए, वाई मान ले जो आंसर आएगा। अच्छा तो सिंपल प्रॉपर्टी ये लगा दूं, भाई जो भी आंसर आएगा जब उसको बेस की पावर करूंगा तो यही तो बनना चाहिए, यही तो लॉग होता है, यही तो लॉग है। सॉल्व कर लेते हैं, दो की पावर पंजा, दो की पावर दो बटा पांच, ये भी सिखाऊं क्या अब, एक प्लस एक बटा दो तीन बटा दो, दो की पावर तीन वाई बटा दो, ये कितना बन गया भाई 25, 26, 27 बटा पांच है ना, 3y/2। अरे सॉल्व करो ना यार, 9 × 27, 18/5 आ गया। समझ आया बच्चों, इसको 3.6 कहते हैं, क्या समझ आया कि नहीं आया, सच सच बताओ। यस और नो, छोटे बच्चे हो क्या? यस और नो पूछना पड़ता, देखो चलो शुरू हो जाओ क्वेश्चन करने धड़ाधड़। राइट द फॉलोइंग इन लॉग फॉर्म, लॉग की फॉर्म में लिखना है सबको। पहला 2^7 इज 128, दूसरा 6^0 1, थर्ड 9^5/2 243, फोर्थ 5^4 625, फिफ्थ 15^-2 1/225, सिक्स्थ 0.5 का स्क्वायर 0.25। लॉग कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल है। a^-b इज c, एट्थ क्वेश्चन, n^p इज m। हो गया भाई सबके? यस सर। वेरी गुड, ये लड़की तेज है। सडन। वेरी गुड, थैंक यू। तो काफी मजा आता है लॉक करके,
अगर समझ आ जाए, अगर ना समझ आए फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है। अरे गणेश जी का हुआ, अरे चिराग भाई यस सर हो गया, वेरी गुड। और सारे बच्चे खाने पे भी कंट्रोल करेंगे, और कहीं पता लगे जब तुम लोग मुझे मिलो तो ऊपर और नीचे से उतने उतने बड़े हो जाओ। लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ, है ना, दिक्कत हो जानी है ना फिर तो पाहु, लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो गए, स्केयर मत बन जाना। खासकर तू ध्यान रखे हो चिराग, तो मेरे जैसा है, जल्दी लगता है ना कई लोगों को, पानी पूनी पी लेते हैं फिर भी लग जाता है। चलो करें क्वेश्चंस, काफी इजी थे। टू रेस, बस सिंपल बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए था। टू रेस टू पर सेवन 128, तो एक्चुअल में लॉग में कैसे लिखेंगे, लॉग बेस 128 इज इक्वल टू 7, सबका सही है। जब 2 की पावर करेंगे 7 को तभी 128 आएगा। फिर हमारे पास है 6 की पावर 0 इक्वल टू 1, बच्चों लॉग 6 1 सॉरी 0 है ये, ठीक है ना। अगला 9 5 बटा 2 243, इसको कैसे लिखेंगे, लॉग 9 243 5 बाय 2, पावर होती है हमारी आउटपुट। एक क्वेश्चन मिस हो गया क्या बीच में, 5 की पावर 4 वाला, हाँ 5 रेस टू पावर 4 625, तो इसको लिखेंगे लॉग 5 625 4। फिर 15 रेस टू पावर माइनस 2 11225 है, तो इसको लिखेंगे लॉग 15 माइनस 2 1 डिवाइडेड बाय 225। फिर है 0.5 का स्क्वायर 0.25, इसको लिखेंगे लॉग 2 बेस 0.25 0.25। फिर है ए रेस टू पावर माइनस बी सी, इसको लिखेंगे लॉग ए सी माइनस बी। लॉग पुट करके आंसर नेगेटिव में आ सकता है, बट इनपुट कभी नेगेटिव नहीं होती। फिर लिखेंगे एन रेस टू पावर पी इज इक्वल टू एम लॉग एम बेस पी आउटपुट एन, क्या सबका सही था, क्या सबके सही है बच्चों, किसी को गलत नहीं, क्या बात कर रहा है, देख रहा था मैं तो, ये सही है। चलो अगले क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, यार ये ऐसे क्वेश्चन तो कर ही लोगे, बस 4 ही बहुत है, ये तो बेसिक डेफिनेशन है लॉग्स की। वेरी गुड, गुड, चलो देखते हैं। सबसे पहला इसको लिखेंगे लॉग 120, 1 इज इक्वल्स टू 2 रेस टू पावर 0, बेस पावर ऊपर चली जाती है, समझ रहे हो ना, जैसे ये है मान लो, तो x को क्या लिखेंगे, a की पावर y, रट्टा मार लो इसको अच्छे से,
अच्छा फिर मैंने पूछा log 25 5 2, इसको लिखेंगे 25 5 की 2। फिर क्या पूछा भाई, log 7 343, इसको क्यूब, तो 343 को लिखेंगे 7 का क्यूब। फिर मैंने आपसे पूछा log 2 1/4, इसको लिखा -2, इसको लिखेंगे 1/4 2 की पावर -2। इनपुट बेस आउटपुट, चलो फाइंड द फॉलोइंग क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग। लॉग थ्री, अच्छा अभी ये नहीं कर पाओगे, प्रॉपर्टीज करवानी पड़ेंगी, ठीक है बस बहुत है, ये तो हमने कर ही लिया है फाइंड वाले तो क्वेश्चन। अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, प्रॉपर्टीज हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज। सबसे पहली, लॉग बेस इनपुट टू द सेम बेस इज 1, लॉग 1 टू द एनी बेस इज 0, लॉग बेस ए एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग बेस ए एम बाय एन, लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन, लॉग ए एम रेस टू पावर एन, पावर आगे आ जाती है। प्रूफ भी करूंगा, टेंशन मत लो, वी विल डू प्रूफ ऑल्सो। लॉग एम ए बेस चेंजिंग फॉर्मूला, पहले लिखो सारे फिर समझाता हूं। लॉग एम बाय लॉग ए, बेस आप कुछ भी डाल सकते हो, टी अकॉर्डिंग टू विश, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सातवां, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसकी पावर है लॉग जी ऑफ एक्स, तो हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स लॉग एफ ऑफ एक्स। ये 7 की 7 प्रॉपर्टीज अच्छे से दो दो बार लिखो जल्दी सारे, दो दो बार। नहीं नहीं बेस चेंजिंग फॉर्मूला ये है, लेफ्ट हैंड साइड पर ये इनपुट है मेरे भाई, इनपुट बेस, बेस चेंज हो जाता है बस, लॉग एम बाय ये बेस, जो पहले बेस था वो इनपुट बन जाता है, और बेस तुम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूज कर सकते हो। चलो चलो जल्दी करो, वेरी गुड, दो दो बार चलो। क्वेश्चन है, चलो पहले वाला प्रूफ जो क्वेश्चन है, सबको ये तो पता लगी गया पहले वाला, log 1 टू द बेस a इज 0, भाई 1 इनपुट, जब बेस कुछ भी हो बेस की पावर 0 करने पे ही 1 बनेगा ना, तो 1 की इनपुट डालने पे आउटपुट हमेशा 0 आनी है। सेकंड,
आपने सेम ही बेस डाल दिया, जो इनपुट सेम ही डाल दी, तो वन ही आंसर आने, एक ही पावर वन करने पे ही तो आएगा, क्योंकि ये बात हमेशा याद रखो, अगर ये a है या फिर n है, x इज इक्वल्स टू a रेस टू पर y, यहां पे भी लिख भी लो, x इज इक्वल्स टू a रेस टू पर y लिख लो, ये होती है इनपुट, ये होता है बेस, ये होता है आउटपुट, बड़ा सिंपल है काम, बस ये समझना है y इज इक्वल्स टू log a x, क्या आएगा, मान लो x एक ऐसी इनपुट आपने डाली, मान लो आपने कोई भी इनपुट डाली, ठीक है, x डाली, तो आउटपुट क्या आएगी, एक ऐसा नंबर जब उसको बेस की पावर करें तो इनपुट ही बनना चाहिए, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है log, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ log, डेफिनेशन, समझ रहे हो, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ log। अब जो थर्ड हमारा रिजल्ट है, log बेस a m into n, log बेस a m प्लस log बेस a n, इसको प्रूव कर सकते हैं हम काफी इजीली, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, अगर log a m को मैं बड़ा x पुट कर लूं, log बड़ा n को मैं बड़ा y पुट कर लूं, तो आप सोच के देखो, प्रूफ करो, चलो जल्दी, कम ऑन गाइस, प्रूफ इट, हिंट दे रहा हूं, m को a की पावर x, n को a की पावर y, m इंटू n को क्या लिख सकते हैं, a की पावर x प्लस y, answer, very good answer, अब दोनों तरफ log ले लें, to the base a, apply log to the base a on both sides, तो log base a m into n, log base a raised to power x plus y, अब आप सोच सकते हो इसका आंसर क्या बनेगा, x plus y तो बनेगा, बेस इनपुट है a raised to power x plus y, तो x plus y ही तो आंसर आएगा, क्या ये सोच सकते हो, yes sir, सोच के देखो ना, क्वेश्चन ये है, log base a की पावर 8, एक ऐसा आंसर आएगा जब a की पावर हो जाए तो a की पावर 8 बन जाए, तो भाई 8 ही तो आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो ना, तो काफी इजी है, तो क्या बन गया, log a m into n, x क्या है, log a m plus log a n, क्या समझ आया बच्चों, देखो समझ आई प्रॉपर्टी अच्छे से, यस सर, वेरी गुड, चलो सारे प्रूफ कर डालो जल्दी जल्दी, कम ऑन, शुरू हो जाओ, कम ऑन कम ऑन, अगली m by n वाली प्रॉपर्टी है, सभी काम करते दिखे मुझे, अरे कुछ तो दिख ही नहीं रहे, लगता है लाइट नहीं है उनके घर पे, जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो कहती है log बेस a m by n, log a m माइनस log a n, डिवीजन में माइनस हो जाती है, भाई कर लो प्रूफ, किड्डी गल है, log a m को x लेट कर लो, log a n को y लेट कर लो, सिंपल एक्सपोनेंट्स को यूज करना, एक्सपोनेंट्स m को क्या लिख सकते हैं, a रेस टू पार x, n को क्या लिख सकते हैं, a रेस टू पार y, बस सॉल्व कर दो अच्छे बच्चों की तरह,
एम डिवाइडेड बाय एन क्या बन गया, ए रेस टू पावर एक्स माइनस वाई, अप्लाई लॉग टू द बेस ए, समझ रहे हो ना? समझ रही हो ना पाहुल, तुम ऐसे देख रही हो स्क्रीन को? अब यहां पे इसका आंसर बस पता होना चाहिए थोड़ा जुगाड़ से। बेस ए ए की पावर एक्स माइनस वाई, भाई आंसर तो एक्स माइनस वाई ही आएगा ना। क्या समझ पाए प्यारे बच्चों सारे जाने? बस इसको समझ लो, जो ये वाली प्रॉपर्टी है ना a की पावर n, तो ये n होता है आंसर। क्यों भाई? सोच के देखो ना, log a a रेस टू पावर n, अगर y आंसर है तो a की पावर y, a की पावर n, तो y n आ गया। समझ रहे हो ना बच्चों? देखो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बच्चों जैसे ही समझाऊं। समझ पा रहे हो ना लॉग को? कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लोगों ने हुआ बनाया हुआ बस। ये समझ तो आ रहा होगा स्टेप बाय स्टेप, कोई रट्टा नहीं। अच्छा अगली प्रॉपर्टी क्या थी, कौन सी वाली लिखवाई है मैंने? एम एन एम बाय एन एम की पावर एन। चलो जल्दी करो, एम रेस टू पावर एन, कहते पावर आगे आ जाती है। फिर क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, कोई बात नहीं, याद हो जाएंगी, बहुत बार लिखवाऊंगा, घबराओ मत, बहुत बार लिखवाऊंगा। इसको प्रूफ करके दिखाओ, शाबाश। बाकी दो प्रॉपर्टीज आपके लिए होमवर्क है, प्रूफ करना, ठीक है? थोड़ा दिमाग लगा के घर पे बैठना, लॉग को जब पढ़ते पढ़ते प्रूफ करना। जल्दी करो ना यार। लॉग ए एम को एक्स सेलेक्ट कर लो बस। हुआ किसी का? वेरी गुड पाहुल। ओके सर, शाबाश। पहला स्टेप है ओलंपियाड की तरफ। अभी हमें बहुत कुछ करना है, बहुत सारी ज्योमेट्री, बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री, किया ही कुछ नहीं। चलो करूं, कोई बताएगा? अरे बोलना पड़ के पड़ेगा। पाहुल बताओ बेटा। सर लॉग ए इस पर एम एन बन जाएगा लॉग, एक मिनट।
देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए रेस टू पावर एक्स, पहले दोनों तरफ एन पावर राइज करो, ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बेसिक एक्सपोनेंट लॉ। नाउ अप्लाई लॉग ऑन बोथ द साइड्स, बड़ा सिंपल काम था यार बच्चों, अप्लाई लॉग टू द बेस ए ऑन बोथ साइड्स टू द बेस ए, सबका हो जाता है ये तो, स्टेप बाय स्टेप है, सेम प्रोसेस है। अब अप्लाई कर देते हैं, देखो ना अप्लाई कर रहा हूं, log m raised to power n log a a x n। अब सोच के देखो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर तो x n ही आएगा ना, सेम बेस पे, log m raised to power n a बेस a m raised to power n, x क्या है हमारा log a m n into log। क्या समझ आया बच्चों, काफी मजा आता है सीख के, इजी काम था, अगर आप ध्यान से दो, मैं हर प्रॉपर्टी को एक ही अप्रोच से सॉल्व कर रहा हूं, एक ही अप्रोच से, सिंपल एक्सपोनेंट के लॉस, शायद सेवंथ एट्थ में सीखते हैं हम लोग, समझ रहे हो ना, लॉग एक्चुअली एक्सपोनेंट ही है, एक्सपोनेंट। अब सारी प्रॉपर्टीज को लिख के देखो, सारी प्रॉपर्टीज को दोबारा से एक समरी की फॉर्म में सारी प्रॉपर्टीज को लिखो, चलो चलो जल्दी, आखिरी दो प्रॉपर्टीज आपको घर पे प्रूफ करनी है होमवर्क की तरह। सबसे पहली प्रॉपर्टी लॉग ए ए वन होते हैं, लॉग वन जीरो होते हैं, लॉग में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है एम इन टू एन तो लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन होते हैं, लॉग ए एम बाय एन लॉग बेस ए एम माइनस लॉग बेस ए एन, लॉग बेस ए एम रेस टू पर एन, एन आगे आ जाता है लॉग बेस ए एम, लॉग एम और यहां पे है ए बेस चेंजिंग फॉर्मूला, लॉग एम बाय लॉग ए, बेस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप कुछ भी रख सकते हो, एफ ऑफ एक्स पूरे की पावर लॉग ऑफ जी एक्स, फंक्शंस कैन बी इंटरचेंजेबल, जी ऑफ एक्स रेस टू द पावर लॉग एफ ऑफ एक्स, फंक्शन विल बी इंटरचेंज, जितना आप अच्छे से सीख लोगे। और एक प्रॉपर्टी और होती है इसी की डिटेल्ड प्रॉपर्टी, इसी का एक्सपेंडेड वर्जन है, जो देखो क्या है, m की पावर n है, a की पावर p है, बेस की भी कुछ पावर दी हुई है, n तो आगे आता है, p भी आगे आ जाता है पर डिनोमिनेटर में, आप इसको भी प्रूफ करना घर पे, कोशिश करना, नहीं मैं करवा दूंगा, इजी है वैसे, समझ गए ना, जो बेस की पावर है वो डिनोमिनेटर में आगे आती है, समझ आया बच्चों, लॉक को समझ आ गया होगा थोड़ा थोड़ा, चलो अब क्वेश्चन करते हैं ताकि आप प्रॉपर्टीज लगाना सीख जाओ, पहले बेसिक बेसिक्स क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है, पहले वो करवाता हूं जो आपको फिजिक्स में भी बहुत काम में आएगा, इसकी वैल्यूज को अब एक बार थोड़ा और सीख लो, यहां पे रिमार्क्स लिख लो, रिमार्क्स रिमार्क्स, दो लॉग बेस बहुत मशहूर हैं, दो बेस, एक तो बेस ई पे, इसको नेचुरल बेस भी कहते हैं, एल एन एक्स, मैथमेटिक्स में हम इसको बहुत यूज करते हैं, इन मैथ्स ई होता है एक्सपोनेंशियल, पता है ई की वैल्यू क्या होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.71 बेस,
मैथ में, एक होता है 10 बेस, इसको कॉमन बेस भी कहते हैं, कॉमन बेस। ये फिजिक्स वाले बहुत यूज करते हैं, केमिस्ट्री में बहुत यूज करते हैं, फिजिक्स में बोल लो केमिस्ट्री में इसको बहुत यूज किया जाएगा 10 बेस के ऊपर। ये है नेचुरल बेस, ये है 10 बेस। इसको कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन भी बोलते हैं जब 10 बेस आ जाए। मतलब दो मशीन्स काफी मशहूर हैं, एक ई बेस पे एक 10 बेस पे, समझ रहे हो, बस इतनी बात है। इसको लिख लेना रिमार्क्स में। मैथमेटिक्स में हम इसको यूज करते हैं ज्यादा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में इसको यूज किया जाता है। अच्छा अब क्वेश्चन है बच्चों, लॉग 10 2 पे 0.3010 होता है, इसको याद कर लो, लर्न दिस वैल्यू फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको याद करवा दी जाएगी। और अब आपको फाइंड करना है इसको यूज करते हुए लॉग 10 200। कम ऑन गाइस, प्रॉपर्टीज को यूज करो, दिमाग लगाओ, काम करो। अर्ली हो जाएगा अगर प्रॉपर्टीज आती है। वेरी गुड। देखो ध्यान से बच्चों, काफी इजी था। इसको लिखते हैं 2 × 100 log m into n, log m plus log n, इसको 10^2 लिख लो ना, ये तो गिवन ही है। ये कितना होता है 2 पावर आगे आ गई, तो कितना आंसर बन गया 2.3010। समझ गए ना प्रॉपर्टीज कहां यूज होती हैं? पहले m into n वाली प्रॉपर्टी यूज हुई, फिर पावर आगे आने वाली। समझ गए प्यारे बच्चों? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन, कोई बात नहीं, बहुत क्वेश्चन करवा दूंगा, बेसिक बेसिक। लॉग 2 10 बेस पे 0.3010 होता है, रट्टा मार लो अच्छे से, दोबारा दोबारा कह रहा हूं। फाइंड लॉग 10 50। Come on, guys. Certain. शाबाश। आंसर आया भाई। आंसर तो बताओ। सर 1.69। वेरी गुड। चलो भाई देखो, इसको लिखते हैं लॉग 10 बेस पे, क्या लिखें 20 को, 50 को 2 की टर्म्स में तोड़ना हो अगर, बताओ बताओ जल्दी। सर 100/2। शाबाश 100/2, ज्यादा इजी रहेगा, 10 की टर्म्स में भी टूट गया। अब लॉग 10 100 माइनस लॉग 10 2, लॉग m माइनस लॉग n, ये होता है 2, 10^2, ये दिया हुआ है 1.6990। समझ गए ना बच्चों? अच्छा अगला क्वेश्चन, f log टू द बेस e a प्लस b बाई 2 इज इक्वल्स टू 1/2 log बेस e प्लस log बेस e b, फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b, फाइंड रिलेशन बिटवीन a एंड b।
कमान सोचो थोड़ा सा, वीनस रानी तुम भी बता दो कुछ आज। पढ़ना छोड़ दिया, घर पे पढ़ लो भी सारे। 2013 से लेके 2019 तक के प्रीआरएमओ पेपर ट्राई करते रहो हर रोज। अगर ओलंपियाड का टैग लगवाना चाहते हो कोई तो करो यार। अरे चलो भाई देखो कैसे करना है। लॉग बेस ई ए प्लस बी बाय टू, इस पावर को ऊपर लेके जा सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, लॉग बेस ई पहले ए इंटू बी। क्या ये समझ आया? लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम इंटू एन, क्लब हो गया। सिंपल प्रॉपर्टी यूज की गदो। फिर लॉग बेस ई ए प्लस बी बाय टू इस पावर को ले गया ऊपर, पावर ऊपर चली गई ना, रिवर्स लग गया, पावर आगे आ जाती है तो ऊपर भी तो चली जाएगी। अब ये लॉग बेस ई इनपुट मस्ट बी सेम, इनपुट सेम ही होंगी ना भाई, इतना तो समझ रहे होगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग कट भी गए, वैसे लॉग कटते नहीं है, एंटी लॉग लेना पड़ता है, पर कोई बात नहीं, इतना तो समझ रहे हो। बस अब सॉल्विंग करनी थी गदों, सॉल्व क्या करूं अब मैं इसका। ए प्लस अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन कुछ दिख रहा है वैसे? अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, यस सर, दिमाग की कमी है। अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, अच्छा चलो जिसको ये भी नहीं पता, ए प्लस बी इज इक्वल टू टू ए बी का वन बाय टू, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, रूट ए का स्क्वायर कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स रूट ए रूट बी जीरो, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर जीरो, तो रूट ए रूट बी के इक्वल आ गया, तो ए बी के इक्वल आ गया, ये आंसर आ गया। आईआईटी में आया था ये क्वेश्चन, देख लो क्या ही क्वेश्चन है, होना चाहिए था बच्चों। दो क्वेश्चन और डालूं अच्छे, चलो अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे इन द सेंस की प्रॉपर्टीज लगाने, बिगिनर्स के लिए अच्छे हैं। बेस दिया हुआ है एम, टू प्रूफ करना है। चलो मैं क्वेश्चन इजी करता हूं, 28 बेस है 49, इसको प्रूफ करके दिखाना है कि ये 1 प्लस 2m बाय 2 होगा। वैल्यूज फुट नहीं करनी, खुद प्रूफ करना है, कहीं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल प्रूफ कर दो। और एक क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन नंबर अल्फा अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर।
log 3 alpha, log base e alpha, log 2 alpha, log 10 alpha. इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है. चलो करो. चलो चलो बच्चों, कर सकते हो आप लोग. थैंक्स सर. वेरी गुड. सोचने की गेम है मैथमेटिक्स, सोचने की, इनोवेशन. और आज का होमवर्क है आपका प्री आरएमओ ओलंपियड का 2013 का पेपर, 2013 का पेपर, सिर्फ वो. मैं आपको बता देता हूं 2013 में कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं. 2012 का करेंगे, 13 भी छोड़ो, 12 से स्टार्ट करते हैं. 12 से 2012 के पेपर में 20 क्वेश्चंस हैं और चाहे इन 20 क्वेश्चंस को 5 घंटे लगे, और जो कि लगेंगे आप लोगों के, बट मन से करना, मन से. ग्रुप में मुझे डिस्कशन करते दिखें सारे, सभी कर सकते हैं पेपर क्लियर, सभी, विश्वास करो मेरा. और काफी सिंपल कंसेप्ट्स पे आते हैं वो, सिंपल सिंपल चीजों पे. जो चीजें नहीं आती वो छोड़ दो, मैं करवाऊंगा ना यार, टेंशन क्यों लेते हो. मैं सारा पेपर डिस्कस करूंगा, एक एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन. पहले इसको प्रूफ करो ना यार, जल्दी. हार मत मानो, हार मत मानो, यही ओलंपियड का सबसे पहला रूल है, हार मत मानो क्वेश्चन को करते समय. देखो अगर आप ध्यान से देखो, 49 इसको ऐसे लिखें, log 28 by log 49, base changing formula. मुझे इसकी टर्म्स में तोड़ना है हर कुछ, सॉरी इसकी टर्म्स में तोड़ना है. अब इसको क्या लिखें, 7 बेस पे ले लूं, मैं अपनी मर्जी से बेस ले सकता हूं बेस चेंजिंग फॉर्मूला में. अब इसको लिख सकता हूं 7 into 4 28, समझ रहे हो ना. इसको लिख सकता हूं log 7 स्क्वायर, ये कितना बनेगा ऊपर, log m into n, ये कितना बनेगा 2, ये कितना बन गया 1, ये कितना बनेगा log 7 2 स्क्वायर. कर सकते थे ना बच्चों ये सारे आप लोग, 1 प्लस 2 log 2 7 बाय 2. इसकी वैल्यू को m पुट कर दो, क्या समझ आया, आंसर आ गया, हैंस प्रूफ, समझ आया ना. कितनी बड़ी बात थी, होना चाहिए था ना पाहुल. क्वेश्चंस लिखो थोड़े से जो आपको लॉक के लिए प्रैक्टिस करने हैं, आखिरी क्वेश्चन होमवर्क है, क्वेश्चन लिखो. log 3
27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 729, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगला क्वेश्चन है लॉग 2 रूट 64 बाय रूट 8, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगला क्वेश्चन है लॉग 11 121 अंडर रूट 14641 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट 1331। देखने में डरावने हैं, वैसे कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है थ्री इंटू लॉग 10 1.5 प्लस लॉग 10 240 माइनस 2 लॉग 10 9, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगला क्वेश्चन है 5x फाइंड करना है आपको। इक्वेशन है log 10 बेस पे x माइनस 3 डिवाइडेड बाय log 10 बेस पे x स्क्वायर माइनस 21 1 बाय 2। फिर अगला क्वेश्चन है log 4 के इनपुट है log 3, फिर उसमें इनपुट है log 2 x इक्वल्स टू 0। ये बात समझ रहे हो, मैं ब्रैकेट्स डाल रहा हूं। देखो पहले x इनपुट हुई 2 के बीच में 2 log पे, फिर वो जो आंसर आया वो log 3 पे इनपुट है, फिर जो आंसर आया log 4 वाले में इनपुट है। ये क्वेश्चन अच्छा है, सोचने वाला है, आंसर तो ऑरली आ जाएगा बट है सोचने वाली चीज। और क्वेश्चन लिखो एक log 2 प्लस log x प्लस 2 माइनस log 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू log 3। सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए सबके। क्या लिख लिए सभी ने क्वेश्चंस? यस। ठीक है बच्चों, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। आपको अच्छे से लॉग्स को अभी 10 मिनट लगाओ, नोट्स को रिवाइज करो, हर क्लास के बाद नोट्स को रिवाइज करो अभी दोबारा से, और क्वेश्चन कर डालो, फिर उठो अपनी सीट से, फिर 2012 का ओलंपियाड का पेपर डिस्क करना है आपने आज रात को बैठ के मजे से। चाहे मैं तो कह रहा हूं एक भी क्वेश्चन ना हो, बट हमें मेंटल टफनेस बनानी है, मेंटल टफनेस। ओलंपियाड उस बच्चे का क्लियर होता है जिसके पास मेंटल टफनेस होती है, मेंटल टफनेस। ठीक है, सो हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। और वीनस जी, हाँ।